जिनके सुरों में मिठास है और जिनकी आवाज़ हमारे कानों में पड़ते ही दिलों को सुकून देती है, आज हमारे साथ वो हैं। जी हाँ, हमारे साथ अनुराधा पौडवाल है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार मैम। जब हम आपके गाने सुनते हैं तो एक बहुत ही सुकून मिलता है कानों को, दिल को सुकून मिलता है। कितनी भी चिंता हो या फिर टेंशन होती है वो रिलीज़ हो जाती है, चाहे वो आपके भजन हो या संगीत हो। That's very nice of you. Thank you very much. और आज हमने रघुपति राघव राजाराम, ये बेसिकली बहुत सुकून वाला ही गीत है, सुकून वाला भजन है। और भगवान राम के इसमें एट्रीब्यूट्स हमने दिखाए हैं। सो इट हैज़ अ न्यू एंगल। वी हैव नॉट प्रोजेक्टेड इट लाइक अ भजन, इट हैज़ अ सोशल एंगल ऑल्सो। ओके, जैसे कि आपने कहा कि कुछ अलग है इसमें, तो अगर इसकी कुछ लाइन है कि या फिर इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट अलग है, यू नो आई कांट, आपको बजाना पड़ेगा। आई कैन नॉट शो यू द ट्रीटमेंट, यू हैव टू हियर इट। या बेसिकली द ट्यून इज़ द सेम, रघुपति राघव जो सभी दुनिया गाती है, यू हैव नॉट चेंज दैट। बट इसके जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, राजा राम है, सबके हृदय में बसे, यू नो विश्व गुरु मेरे राजा राम, इस तरह की चीज़ें हमने उसमें पोर्ट्रे की हैं। एंड आई एम श्योर कि यू नो इट हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। जी मैम, जैसा आपने कहा कि भगवान राम दिलों में बसे हैं और एक मैसेज देता है ये गाना रघुपति राघव राजा राम, वहीं पर एक मुद्दा है राम मंदिर का, जो काफ़ी लोग जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, शायद आप भी इसका इंतज़ार करें कि वो मंदिर बने। क्या कहेंगी, क्योंकि कई सारे ऐसे आपके भी फैंस हैं जो इस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि यू नो कब वो देखो बनने तो है, बट जब हम संसार की इन चीज़ों में बन जाते हैं, यू वेट फॉर समबडी टू गिव अ जजमेंट ऑफ वॉट एवर। सो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट डे जब यू नो कि ये खुशखबरी सभी राम भक्तों को मिले, एंड दैट विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे इन आवर लाइव्स। और शायद ये फैसला जल्दी अक्टूबर खत्म होते होते या नवंबर में। नहीं नहीं, ये अक्टूबर 18 इज़ द लास्ट डेट। सो इज़ इट अ कोइंसिडेंस दैट ये गाना इज़ कोइंसाइडिंग विद दैट डेट, यू नो। अच्छा ही होगा। मैम, कहते हैं कि जो गाना होता है या जो सुर होते हैं वो हर भेदभाव मिटा देते हैं, चाहे वो कोई भी सिंगर हो, उसकी जाति नहीं होती, लेकिन जो उसके गाने होते हैं वो लोगों के दिलों के भेद मिटा देते हैं। आप इससे कितना? नहीं नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, यू नो इसमें मैं बहुत मानती हूँ। बिकॉज संगीत है यू नो निष्पक्ष है, सुर निष्पक्ष होते हैं, तो ऑफकोर्स ये भेदभाव मिटाते हैं। मैम, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, बहुत सारे आप लोग ऐसे बड़े सिंगर जिनका हम नाम लेना भी गलत होता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि जो आपकी आवाज़ है लोग आपको कॉपी करना चाहते हैं, और आज इन दिनों कई लोगों को मौका नहीं मिलता, लेकिन जब मौका मिलता है तो लोग कंपेयर करते हैं कि ये लता मंगेशकर जैसी आवाज़ है या ये अनुराधा पौडवाल जैसी आवाज़ है, लोगों को सुनने में मज़ा आता है, लेकिन वो सिंगर नहीं होते, वो जस्ट ऐसे गाते हैं और लोग वीडियो वायरल हो जाते हैं। जो भी गाना सीखता है, ओके तो ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं जिनकी अपनी आवाज़ मतलब आइडेंटिटी होती है। जनरली ये देखा गया है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उस वक्त के प्रेवलिंग, तो उनको सुन के ही गाना यू नो आगे बढ़ाते हैं। तो इट्स बाउंड टू हैपन कि मतलब उनके जो ट्रेड्स हैं वो इनमें आ जाएं, बट जैसे जैसे वो गाने गाते जाते हैं तो उनकी अपनी आइडेंटिटी बनती है। I don't see anything wrong in that. ये थी अनुराधा पौडवाल जी, जिनकी सुरों ने आज भी हमारे दिलों को में अपनी जगह बना के रखी है, और शायद ये जगह हमेशा ही कायम है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ ज्योति शर्मा, E24 मुंबई।